क्योंकि क्लास का लास्ट में एक क्वेश्चन सेशन होगा, देयर विल बी ए क्वेश्चन सेशन इन द लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास. ओके, सो ये क्वेश्चन सेशन में क्वेश्चन का आंसर आप लोग को चैट के थ्रू देना है. मोबाइल में ऐप में एक चैट का ऑप्शन है, सो उस चैट का ऑप्शन से यू विल हैव टू आंसर. तो ये लास्ट में होगा इफ टाइम परमिट्स, अगर हम लोग कहाँ तक कवर कर पाते, अगर टाइम बचेगा देन देयर विल बी क्वेश्चन राउंड. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या है? सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये फंडामेंटल यूनिट क्या होता है वो समझने के लिए लुक एट वन एग्जाम्पल हियर. इफ यू कैन हियर, वॉल का बेसिक यूनिट क्या है? एक वॉल बनाने के लिए, एक दीवार बनाने के लिए बेसिक यूनिट है ब्रिक्स. वैसे ही बॉडी बनने के लिए बेसिक यूनिट होता है सेल. सो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द आंसर इज द सेल. सो सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. लेकिन सेल का एक प्रॉपर डेफिनेशन यूज किया जाता है. तुमको अगर पूछा जाए व्हाट इज अ सेल, यू कैन नोट इट डाउन. सेल का एक डेफिनेशन लिखो आप लोग. यू राइट, अ सेल इज अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ सेल, अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सो हैव यू रिटन? जस्ट 5-6 स्टूडेंट रेज योर हैंड. हमको आज के क्लास में टेस्टिंग करना हाउ फास्ट यू कैन राइट. ओके, मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ सेल, द आंसर इज अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. देन एंड वन इंपॉर्टेंट टर्म हियर, सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है. ओके, आप लोगों को शीट मिल जाएगा, मटेरियल, मटेरियल में सब कुछ लिखा हुआ है. सो आज का क्लास में हम लोग को फोकस करना है और कितना आप लोगों को दिमाग में रह पाएगा वो देखना है लास्ट तक. नाउ डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, तुम लोग को कुछ भी नहीं लिखना है, सब कुछ मटेरियल में मिल जाएगा आपको. साइटोलॉजी, सो वन इंपॉर्टेंट टर्म हियर साइटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी. तो हम लोग इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ेंगे और बायोलॉजी और साइंस का जिस ब्रांच में सेल के बारे में पढ़ा जाता है दैट ब्रांच इज कॉल्ड साइटोलॉजी. ओके, और ये वर्ड सेल, सेल वर्ड एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है और वो लैटिन वर्ड है सेल्यूला. अगर आप लोग चाहो तो कुछ कुछ वर्ड नोट डाउन कर सकते हो सीक्वेंस में, सो दैट यू कैन लर्न. जैसे फर्स्ट पॉइंट वी डिस्कस्ड सेल, सेकंड हम लोग डिस्कस किया साइटोलॉजी, एंड अब हम लोग बात करें एक वर्ड, स्पेशल वर्ड सेल्यूला. सेल्यूला का मतलब लिटिल रूम होता है. तो सेल का नाम या सेल ये वर्ड लिटिल रूम के साथ कैसे रिलेटेड है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो इफ आई आस्क यू फ्रॉम विच लैटिन वर्ड द वर्ड सेल हैज बीन डिराइव्ड, द लैटिन वर्ड इज सेल्यूला और उस सेल्यूला का मतलब है लिटिल रूम. ओके, नाउ अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल, अगर पूछा जाए हु डिस्कवर्ड सेल, तो ये साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक, एंड ही डिस्कवर्ड सेल इन द ईयर 1665. और डिस्कवर करने के बाद नेमिंग भी किया था सेल का. ही नेम्ड द सेल, ही यूज द टर्म सेल वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क अंडर अ प्रिमिटिव सेल डिजाइन माइक्रोस्कोप. एक माइक्रोस्कोप उसी ने डिजाइन किया था, उन्हीं साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था ये वाला माइक्रोस्कोप, और इसी माइक्रोस्कोप से उन्होंने ऑब्जर्व किया था बॉटल कॉर्क. ये बॉटल कॉर्क वुडन होता है, पीस ऑफ वुड. इसको जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो यहाँ ये देखो कुछ ऐसा माइक्रोस्कोप में पिक्चर आया, और वो पिक्चर में कुछ छोटा छोटा चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, और ये चैम्बर्स को कंपेयर किया गया चैम्बर्स और सेल्स इन अ मोनास्ट्री. मोनास्ट्री में मॉन्क्स रहते हैं, मॉन्क्स छोटे छोटे कमरे में रहते हैं, स्मॉल रूम्स में, और उन छोटे रूम को सेल बोला जाता है. तो यहां भी ऐसा कुछ चैम्बर जैसा दिखाई दिया रॉबर्ट हुक को, एंड ही ने यूज द टर्म सेल फॉर दीज स्मॉल चैम्बर्स. क्यों सेल नाम रखा गया?
क्योंकि मोनास्ट्रीज में जो छोटे रूम है उन छोटे रूम को भी सेल बोला जाता है, और रॉबर्ट हुक को लगा ये छोटा छोटे रूम जैसा स्ट्रक्चर है, एंड देयर बाय ही यूज द टर्म सेल। ओके, सो पॉइंट नंबर थ्री एक बार डिटेल में मैं बता देता हूँ, लुक एट हियर, जो प्रिंटेड फॉर्म है एक्सप्लेनेशन है वहां देखो। रॉबर्ट हुक एन इंग्लिश बोटानिस्ट इन 1665 डिस्कवर्ड एंड नेम द सेल्स व्हाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क अंडर ए प्रिमिटिव सेल डिजाइन माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव मतलब फर्स्ट टाइप, स्टार्टिंग टाइप में माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा होता था। देन हुक ऑब्जर्व कॉर्क्स हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, तो हुक को ऐसा हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये जो स्ट्रक्चर का कंपैरिजन हनीकॉम के साथ कंपेयर किया गया, यहाँ छोटा छोटा चैम्बर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सिमिलर चैम्बर्स आर सीन हियर। ही फाउंड द पोरस स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क टू रिजेंबल विद द लिटिल रूम्स ऑफ मोनास्ट्रीज। उनको लगा कि ये छोटा छोटा चैम्बर जैसा है, किसके चैम्बर जैसा, मोनास्ट्री का चैम्बर जैसा, मोनास्ट्री में जो छोटे छोटे रूम है उनके जैसा, एंड देयर बाय ही यूज द टर्म सेल। सो अगर पूछा जाए हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल व्हेन इन 1665, हाउ ही डिस्कवर्ड सेल, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ। ही ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क का एक बहुत पतला स्लाइस माइक्रोस्कोप में देखा। देखने के बाद ये कॉर्क लिविंग सेल या डेड सेल, ये डेड सेल था। तो ये डेड सेल को जब देखा गया तो ऐसा कुछ चैम्बर्स दिखाई दिया, स्मॉल चैम्बर्स। ओके, और इन्हीं स्मॉल चैम्बर्स को नाम दे दिया गया सेल। सो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, बट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल, लिविंग सेल डिस्कवर नहीं किया था। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड। तो इसको ठीक से दिमाग में सेट रखना है, हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक, इन विच ईयर 1665। अब थोड़ा हिस्ट्री है रिलेटेड टू साइटोलॉजी। तीन साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे, नेम ऑफ थ्री साइंटिस्ट। ओके, फर्स्ट वन एंटोन वॉन लियनहॉक, एंटोन वॉन लियनहॉक, फर्स्ट पिक्चर फर्स्ट साइंटिस्ट का, सेकंड पिक्चर सेकंड साइंटिस्ट, थर्ड पिक्चर इज फॉर थर्ड साइंटिस्ट। एंटोन वॉन लियनहॉक इन 1674 विद द हेल्प ऑफ एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल। तो एंटोन वॉन लियनहॉक फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड लिविंग सेल, और वो लिविंग सेल इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, और वो लिविंग सेल डिस्कवर किया गया पॉन्ड वाटर में फॉर द फर्स्ट टाइम। सो अगर तुमको पूछा जाए हु डिस्कवर्ड सेल, तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लिविंग सेल, एंटोन वॉन लियनहॉक, एंड इट इज डिस्कवर्ड बैक्टीरिया इन पॉन्ड वाटर। देन रॉबर्ट ब्राउन, सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल का सेंट्रल पार्ट इज न्यूक्लियस, क्लास 8 में मिला होगा आप लोग को। एनीवन हु कैन आंसर वन सिंपल क्वेश्चन, चैट के थ्रू आंसर देना है। ओके, न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड द डैश ऑफ द सेल, कौन आंसर दे पाएगा जल्दी थ्रू चैट, यू कैन आंसर थ्रू चैट। ओके, ध्रुव मोदी का आंसर आ गया ब्रेन, देवांश बेद यू गॉट द आंसर ब्रेन, एंड वरिषा सराफ यू गॉट द आंसर, और बाकी बहुत जन करेक्ट आंसर दे रहा, सबका नाम अभी नहीं ले पाऊंगा, फर्स्ट थ्री का ही मैं नाम लूंगा। ओके, सो फॉर द फर्स्ट टाइम हु डिस्कवर्ड, फॉर द फर्स्ट टाइम हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, इफ आई आस्क यू हु डिस्कवर्ड इट, एंटोन वॉन लियनहॉक। रॉबर्ट हुक क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस इन प्लांट सेल स्पेशली इन 1831, यू शुड मेमोराइज द ईयर्स आल्सो, एंटोन वॉन लियनहॉक 1674, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर द न्यूक्लियस इन प्लांट सेल। देन जे ई पुरकिंजी इन 1839 गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल लिविंग है, सेल लिविंग क्यों है, क्योंकि उसमें एक लिविंग लिक्विड है, और उस लिविंग लिक्विड का नाम है प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम उस लिविंग लिक्विड का, नाम प्रोटोप्लाज्म। और इस लिविंग लिक्विड का नाम प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले किसने दिया, जे ई पुरकिंजी। ओके, इन द ईयर 1839। सो अभी तक हम लोग को फोर साइंटिस्ट का नाम पता चल गया इस सेल्स इस चैप्टर से रिलेटेड। फर्स्ट वन रॉबर्ट हुक, सेकंड वन एंटोन वॉन लियनहॉक, थर्ड वन रॉबर्ट ब्राउन, फोर्थ वन जे ई पुरकिंजी, फोर्थ वन जे ई पुरकिंजी। सो जस्ट राइट डाउन द नेम्स ऑफ फोर साइंटिस्ट इन योर नोटबुक, सिर्फ नाम लिखो साइंटिस्ट का, और वो क्या डिस्कवर किया वो अपने आप याद आ जाएगा धीरे धीरे, यू जस्ट राइट इट डाउन। इफ यू कंप्लीट जस्ट रेज योर हैंड। ओके, बहुतों ने बहुत फास्ट बिना लिखे शायद हैंड रेज कर दिया किसी किसी ने।
ओके मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन नेम ऑफ द फोर साइंटिस्ट एंड यू ऑल्सो हैव द मटेरियल, जो मटेरियल का एक्सप्लेनेशन है सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है. इफ यू डोंट हैव द मटेरियल उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट करना होगा गिवन फोन नंबर में. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल थ्योरी. अब हम लोग बात करेगा सेल से रिलेटेड एक फेमस थ्योरी, एंड दैट थ्योरी इज सेल थ्योरी. सेल थ्योरी तीन साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था. पहले दो साइंटिस्ट था, बाद में एक साइंटिस्ट और इन्वॉल्व हुआ हो गया. फर्स्ट वन जो रेड में जो नेम है, फर्स्ट वन जैकब मैथायस क्लेडन फर्स्ट पिक्चर, द सेकंड वन थियोडोर शवान सेकंड पिक्चर, थर्ड वन रुडोल्फ वर्चाउ थर्ड पिक्चर. तो सेल थ्योरी है क्या? सेल थ्योरी सेल के बारे में एक्सप्लेनेशन है, सेल क्या है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है. इन 1838 द साइंटिस्ट जैकब मैथायस क्लेडन, अ जर्मन बोटानिस्ट. बोटानिस्ट क्या करता है? बोटानिस्ट एंड जूलॉजिस्ट ये कॉमन टर्म है जो बायोलॉजी से रिलेटेड साइंटिस्ट होता है ज्यादातर बोटानिस्ट एंड जूलॉजिस्ट. बोटानिस्ट स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड जूलॉजिस्ट स्टडी अबाउट एनिमल्स. सो अ जर्मन बोटानिस्ट फर्स्ट प्रपोज द आइडिया दैट ऑल प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल. सो सबसे पहले ये आइडिया किसने दिया कि सभी प्लांट सेल से बना हुआ है? जैकब मैथायस क्लेडन. A year later, in 1839, Theodor Schwann, a German geologist, he independently said or asserted that all animal and plants are made up of cell. So, सबसे पहले Theodor Matthias Schleiden ने बोला कि plants body है जो cell से बना हुआ है. बाद में Theodor Schwann, जो geologist है, उसने बोला कि both plants and animals, उनका body किससे बना हुआ है? Cell से. This joint finding forms the basis of cell theory. लेकिन इस सेल थ्योरी के बाद में मॉडिफाई किया अनदर साइंटिस्ट ने रुडोल्फ वर्चाउ. इन 1855 इस थ्योरी को रिफाइन किया गया व्हेन अनदर जर्मन बायोलॉजिस्ट रुडोल्फ वर्चाउ प्रेजेंटेड द आइडिया दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. सभी सेल किसी न किसी सेल से डेवलप होता है. हम लोग का बॉडी भी एक ही सेल से स्टार्ट हुआ. चलो चैट में बताओ कौन बता सकते हैं. आवर लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल सेल. उस सेल का नाम क्या है? एनीवन? Our life started from a single cell. हम लोग सबका life एक cell से start हुआ है. And what is the name of that cell? If you can answer. Okay, got the answer from Advika, Dhruv Modi. Dhruv Modi, दो answer मिला अभी तक. Advika, Dhruv Modi. और कोई answer नहीं किया अभी तक. Correct answer. Think about the answer. Our life started from a single cell, and that single cell answer nahi aa raha abhi tak. Okay, got the answer. Muskan Saraf. So I got the answer, and the answer is zygote. Our life started from a single cell called zygote. So ab cell theory mein teen points aa chuka hai. The cell theory comprises of following postulates, following points. Point number one. Try to memorize the three points. All living organisms are composed of cells. They may be unicellular or multicellular. Number two, the cell is the fundamental structural and functional unit of life. Okay, so point number one mein bola gaya ki sabhi living organism, chahe plants ho, animals ho, unicellular, multicellular, sabka body kisse bana hua hai? Cell se. Then point number two, the cell is the fundamental and structural unit of life. Fundamental unit kyun bola jata hai? Kyunki sabhi ka body cell se bana hua hai. एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है? वाई फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? वाई फंक्शनल यूनिट? बिकॉज हम लोग का बॉडी का ईच एंड एवरी फंक्शन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परफॉर्म बाय सेल. कौन हमको बता सकता है विच सेल्स इन आवर बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन? फर्स्ट, विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन? ओके, गॉट द आंसर रियान गुप्ता और निलय जैन. Then Dhruv Modi, the answer is RBC. Answer is RBC. Now another question, ek aur question. Name the cells that are responsible for transmission of nerve impulses. Name the cells that are responsible for transmission of nerve impulses. Transmission of nerve impulses. Got the answer? Harshita Gupta, Riyan, Nilay, Varshita. Nimesh, you got the correct answer. Nerve cell. Kaunsa cell? Nerve cell. So, what are the three points of cell theory? Point number one, all living organisms are composed of cells. They may be unicellular or multicellular.
सेकेंड पॉइंट क्या है, द सेल इज द फंक्शनल और सॉरी द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. थर्ड पॉइंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन. तो हर सेल किसी और सेल से ही डेवलप हुआ. हम लोग का बॉडी में इतना सेल्स कहां से आया, एक ही सेल से, और उसे एक सेल का नाम है जायगोट. ओके, नाउ अनदर पॉइंट हियर, ये एक माइक्रोस्कोप है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो बनाया दो साइंटिस्ट ने मिलके, और वो दो साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट रुस्का एंड मैक्स नॉल, जर्मन फिजिसिस्ट है. दे इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अर्नेस्ट रुस्का मैक्स नॉल इन द ईयर 1931. दे इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और अब हम लोग एक कॉमन, दो कॉमन टर्म के बारे में बात करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट को आप लोगों को नॉलेज है क्लास 8 से, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म किसको बोला जाएगा? अगर ऑर्गेनिज्म का बॉडी एक ही सेल से बना हुआ है तो हम लोग बोलेगा यूनिसेल्युलर, बहुत सेल से बना हुआ है तो हम लोग बोलेगा मल्टीसेल्युलर. सो सिंपल पॉइंट, पॉइंट 8. तो इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा फास्ट कवर अप कर सकते हैं. All living organisms are composed of tiny living units called cells, and some living organisms like the bacteria, amoeba, chlamydomonas, however, consist of only one cell. So, सभी living organism का body में cell है, लेकिन कुछ के पास एक ही cell है. Such organisms are called unicellular. Uni का मतलब single. And these can be seen only with the help of microscope. Unicellular organism में ज्यादातर को हम लोग microscope से ही देख सकता है. और इसीलिए उनको बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक. व्हाई दे आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक? बिकॉज दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेल्युलर. हम लोग के चारों तरफ जो प्लांट्स, एनिमल्स, मोस्ट ऑफ देम आर, और ऑल ऑफ देम आर, वी कैन से दे आर मल्टीसेल्युलर. जो हम लोग को दिखाई देता है वो सब मल्टीसेल्युलर. एंड दे आर विजिबल विदाउट मैग्निफिकेशन. विदाउट मैग्निफिकेशन मतलब विदाउट यूजिंग लेंस, विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल. तो यहां दो ग्रुप दिया हुआ, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल, ट्राई टू लर्न द एग्जांपल, बैक्टीरिया, एमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामेशियम, यूग्लेना, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेल्युलर. एक बार प्रोनाउंसिएशन में वापस कर देता हूं, फोकस हियर. बैक्टीरिया, एमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामेशियम, यूग्लेना. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मोस्ट फंजाई और फंगी भी बोल सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर व्हाट? Multicellular. So all living organisms can be divided into two groups. They are unicellular and multicellular. Example yaad karne ka koshish karo about unicellular and multicellular. Now look at the diagrams here. Ye paramecium hai. Iska shape dekho. Kuch slipper jaisa dikhai de raha. Slipper jaisa shape, shape of paramecium. Amoeba ka shape irregular hai. Then this is Euglena. Euglena में ये green dot, green portion, they contain chloroplast, can perform photosynthesis. और ये bacteria, bacteria में ये जो लंबा hair like structure है इसको बोला जाता flagella. और यहाँ short hair like structures भी है. Then this is Chlamydomonas. Chlamydomonas में भी flagella दिखाई दे रहा है. All these are unicellular organisms. They are unicellular. So examples of unicellular organism, paramecium, amoeba, euglena, bacteria, chlamydomonas, all are unicellular organism. Okay. अब हम लोग बात करते हैं सेल के साइज के बारे में. सेल का साइज क्या हो सकता है? सेल बोलने से हम लोग के दिमाग में बहुत छोटा चीज आता है. तो साइज जो होगा या तो मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ऐसा यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जाता है. लेकिन ऐसा सेल भी है जिनको हम लोग देख सकते हैं नेकेड आई से. विल डिस्कस अबाउट दैट. Now about cell size. Cells are extremely small and can be seen only when magnified and observed through the lenses of a microscope. Okay? Only if you try to observe a cell, you have to use what? Microscope. Cells are measured, the size of the cell, it is measured in the unit micrometer. Cell ka size generally kaun sa unit mein measure kiya jata hai? The unit is micrometer. और माइक्रोमीटर का यहां सिंबल दिया हुआ म्यू एम. ये सिंबल को म्यू बोला जाता है, एम यू ई. माइक्रोमीटर्स को एक और टर्म दिया गया है, वो है माइक्रोन. ओके, उसका सिंबल म्यू.
So name the unit in which the size of the cell is generally measured. It is micrometer. Or most of the cells lie in the range. Unka size ka range kya hai? 1/1000 to the 1/10 of a millimeter. So 1 millimeter se bhi kam size ka hai cells zyadatar. और एक माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है यहाँ देखना आप लोग. 1 माइक्रोमीटर में मीटर का रिलेशन इट इज वेरी कॉमन. 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10^-6 मीटर एंड इट इज 1/1000 ऑफ ए मिलीमीटर. दिस रिलेशन इज वेरी कॉमन. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर. 1 माइक्रोमीटर एक्सप्रेस 1 माइक्रोमीटर इंटू मीटर. 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10^-6 मीटर एंड 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 1/1000 millimeter. Now last 3 points here. The smallest cell found is mycoplasma cell. Jo according to your book the information, the smallest cell is mycoplasma, jo ki ek bacteria hai jiska size diameter is about 0.1 micron, 1 micron se bhi chota. Longest cell jo hum log ka body mein nerve cell hai, 1 meter se ya usse zyada bhi length ho sakta hai. The largest cell is represented by eggs of birds. Birds ka egg, usme bhi ostrich ka egg sabse bada hai, uska size 170 millimeter into 135 millimeter. So here ye part mein aap log ka memory is more important. Aapko learn zyada rakhna hoga. To agar hum question puche ki which unit is commonly used to measure the size of the cell, to answer a micrometer. Smallest cell ka naam kya hai, mycoplasma. Longest cell in your body, nerve cell. Largest cell is represented by eggs of birds. Aur kaun sa bird ka egg sabse bada hota size mein? It is egg of ostrich, or 170 millimeter into 135 millimeter. Now jo humne discuss kiya abhi about the size, usi ko picture mein dikhaya gaya hai. Mycoplasma ye hai nerve cell and this one egg of ostrich. So the smallest cell is mycoplasma, longest cell nerve cell or neuron, and the largest cell this one egg of ostrich. Now about the shape of the cell. So aapko continuously sunne hi pad raha. Ab hum ek question round kar rahe hain. Question round. Aapko 2-3 minute ka time diya ja raha. After that I will ask some question related to today's discussion. Kaun fast answer karega, that is important. You are having 2 minutes time. You can devise the thing. Now we can start about the shape of the cell. Uske baad question puchunga main, ye thoda topic discuss karna. The shape of the cell, the shape of the cells are more variable than their size. Okay, abhi hum logon ne size ka baat kiya, lekin shape mein zyada variation hai compared to size. Just wait. Okay, cells may be spherical, oval or elliptical, spindle shaped, cuboidal, polygonal, columnar or flat plate like. So ye different shapes, aur aap dekh sakte picture mein different shapes are given. Jaise human beings ka ovum dikhai de raha, wahan pe spherical hai.
ओवल शेप्ड है क्लैमिडोमोनस, देन ये स्मूथ मसल सेल का शेप बता सकता है कोई? एनीवन, व्हाट इज द शेप ऑफ मसल सेल? एनीवन हु कैन आंसर? ओके, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस सेल? ओके, गॉट द आंसर, गाथा, स्पिंडल शेप्ड, देन ध्रुव मोदी, दो से करेक्ट आंसर मिला, द शेप इज स्पिंडल शेप्ड. ओके, ब्लड सेल्स का शेप, अगर आरबीसी का शेप पूछा जाए तो इट इज डिस्क शेप्ड, नर्व सेल का शेप पूछा जाए तो इट इज ब्रांच्ड लाइक दैट. सो cell shape, the shape of the cells are more variable than their size and the different shapes are given here. Now some more examples. Among unicellular organisms, agar hum log unicellular organisms ka baat kare, amoeba, ye picture amoeba ka hai. Amoeba is single celled animal and the body is irregular in shape. तो तुमको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम टू सेल्स व्हिच हैव इरेगुलर शेप. तो एक है अमीबा और दूसरा डब्ल्यूबीसी. यहां पे देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, इनका शेप्स फिक्स नहीं है, वेरिएबल शेप. लेकिन अगर तुमको पूछा जाए क्लैमिडोमोनस का शेप कैसा है, इस क्लैमिडोमोनस का शेप है ओवल और राउंडेड, ओवल और राउंडेड. और ये पैरामेशियम, पैरामेशियम का शेप स्लीपर शेप्ड, कैसा शेप है इसका? स्लीपर शेप. और पैरामीशियम का अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे कुछ छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, एंड दैट स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सीलिया, दैट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सीलिया. ओके, सो अभी आज का सेशन का डिस्कशन पॉइंट इतना ही है, लास्ट अबाउट 5 मिनट्स बचा है और आप लोगों को क्वेश्चन राउंड के लिए रेडी होना है. अबाउट लास्ट 5 मिनट्स लेफ्ट फॉर टूडेज सेशन. So, अब हम कौन फास्ट आंसर देता है उसका चेकिंग होगा, उन सब का नाम भी नोट डाउन किया जाएगा. सो इफ आई आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स, क्या नाम है? जल्दी लिखो चैट में. ओके, बहुतों का आंसर, कीर्ति, हर्षिता, पलक, संदीप जैन, भूमि, हिमांशु, सो मेनी आंसर. द आंसर इज साइटोलॉजी, लेकिन रूही खेम का, यू रोट बोटानिस्ट, जो रॉन्ग है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्मॉलेस्ट सेल. फास्ट नेम द स्मॉलेस्ट सेल. ओके, यशस्वी करेक्ट आंसर, गाथा, हर्षिता, देन सार्थक, हर्ष जैन. सबका नाम लेना मुश्किल है, बहुत फास्ट यहाँ पे चैट में आता है क्योंकि तुम लोग बहुत फास्ट आंसर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टूडियस हो गया लगता है इस मेथड में, सबको आंसर पता है ऐसा लगता है. माइक्रोप्लाज्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म? शॉर्ट नाम लिखने से भी हो जाएगा, टाइटल लिखने से. हु गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म? गुड, जय पुरकिन जी, समीर, निशांत, सिद्धांत, माही, चिराग, एक का नाम मोटो जी है, मोटो जी प्लस. तो अपना फोन का नाम चेंज करना, आप लोगों को अपना प्रोफाइल नेम बदलना होगा. ओके, करेक्ट आंसर रूही, उदित, हरचैन, ध्रुव लुनिया. So they all gave correct answer. बहुतों ने दिया, सबका नाम या नहीं आ रहा है. Okay,